नमस्कार दोस्तों, टीचर सिंह में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन आया है 2021-22 के लिए। तो आपको पता होगा कि शायद मैंने एक महीने पहले इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। अभी ये जो पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन आया है, ये आया है आपका AICTE का जो फेलोशिप है इसके थ्रू में, तो जहां आपको 31,000 से लेकर 35,000 तक फेलोशिप मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहां टीचिंग रिलेटेड सारे सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, यह है यादवपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। यहां देखिए मेंशन किया गया है एक रिसर्च का ऑप्शन, ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे आओगे आपको यहां दिखाई देगा पीएचडी, तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो जब आप इसी के ऊपर क्लिक करोगे, इस आपको इस प्रकार का एक पेज दिखाई देगा। यहां देखिए बीच में मेंशन किया गया पीएचडी और इसके बाद आपको तीन नोटिफिकेशन दिखाई देगा। पहला जो नोटिफिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको जब पीएचडी बारे में जो इतने भी सारे जो वैकेंसी आया था, लगभग 330 के नजदीक वैकेंसी आया था। इसके अलावा सेकेंड में देखिए मेंशन किया गया है पीएचडी फेलोशिप आर्ट्स इंजीनियरिंग साइंस ISLM, ये मेंशन किया गया। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यहां जब आप क्लिक करोगे, आपको जो पहला वाला जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा, फर्स्ट नोटिफिकेशन नंबर वन, यहां मेंशन किया गया है यूनिवर्सिटी इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पीएचडी प्रोग्राम अंडर द AICTE डॉक्टरल फेलोशिप। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यह है इसका नोटिफिकेशन, आप यहां देख सकते हैं मेंशन किया गया क्लिक हियर फॉर डिटेल्स, तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यह है इसका नोटिफिकेशन, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। हाँ, अभी शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पढ़ सकते हो, यहां मेंशन किया गया है कि द यूनिवर्सिटी इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पीएचडी प्रोग्राम अंडर द AICTE डॉक्टरल फेलोशिप ADF एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया, ये जो फेलोशिप होता है सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है। रिसेंटली शायद 15 एक महीने पहले AICTE ने रिलीज किया है AICTE डॉक्टरल फेलोशिप। आप चाहो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, आपको ये फेलोशिप मिल जाएगा। लगभग 30 से 40 यूनिवर्सिटी में अभी ये फेलोशिप का एडमिशन चल रहा है, तो आप कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हो। देन यहाँ जो सीट है, यहाँ टोटल 16 सीट्स है, जिसमें ऑन रिजर्व है 9, SC के लिए 2, ST के लिए 1 एंड OBC के लिए है 4। देन स्टूडेंट्स हैविंग द बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन साइंस फार्मेसी एंड आर्किटेक्चर और डिजायरियस टू परस्यू रिसर्च इन दिस सब्जेक्ट्स आर नॉट एलिजिबल टू AICTE डॉक्टरल फेलोशिप। तो इस प्रकार का जो सब्जेक्ट लेकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये नहीं है, ये सिर्फ है जो आर्ट्स कॉमर्स एंड अदर सब्जेक्ट, ठीक है। देन एलिजिबिलिटी फॉर द फेलोशिप, आपके क्या होना चाहिए, आपका जो ग्रेजुएशन में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम आपका 70% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, जैसे 69.5 एवं मार्क्स होना चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 65 से ज्यादा होना चाहिए, बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट में। इसके अलावा कैंडिडेट शुड क्वालिफाइड गेट और नेट ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। तो 2017 से लेकर अब तक कैंडिडेट को ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, गेट या नेट, ठीक है, तभी उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। देन आपका एज क्या होना चाहिए, आपका जो एज है ये 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। देन ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम, ये जो आपको मिलेगा ये 3 साल के लिए मिलेगा। देन अनदर 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, मगर इसके लिए स्पेशल अप्रूवल चाहिए, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, आपको ये जो मिलेगा सिर्फ 3 साल के लिए मिलेगा। देन इसके लिए आपको कितना पैसा मिलेगा, फर्स्ट 2 साल के लिए आपको 31,000 करके मिलेगा, देन रेस्ट ऑफ द टाइम आपको 35,000 करके मिलेगा। देन नंबर 7 में यहाँ मेंशन किया गया है, आप यहाँ पढ़ सकते हो, द स्कॉलर्स ऑलरेडी अंडरगोइंग PhD प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी आर नॉट एलिजिबल फॉर द फेलोशिप प्रोग्राम AICTE अंडर ADF स्कीम। हाउएवर ओनली रिसर्च स्कॉलर सिलेक्टेड एंड एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट शैल बी एलिजिबल फॉर द फेलोशिप। तो जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी इस प्रकार का प्रोग्राम के अंडर कोर्स कर रहे हैं तो उनको तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन को देखकर यदि कोई अप्लाई करता है तो उनको मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट है उनको भी ये मिल सकता है, नहीं तो बाहर से भी कोई नया एडमिशन लेगा उनको भी ये मिल सकता है। देन नंबर 8 में आप देख सकते हैं मेंशन किया गया, यदि भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मास्टर्स डिग्री का फाइनल सेमेस्टर में है, ठीक है, और ये एडमिशन से पहले
ये यदि सबमिट कर सकते हैं कि अपना जो फाइनल ईयर का मार्कशीट, तो यह यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। देन नाउ में मेंशन किया गया है कि इसका सिलेक्शन कैसा होगा। इसका सिलेक्शन यहाँ देखिए मेंशन किया गया कि कैंडिडेट्स कॉल फॉर द इंटरव्यू विल हैव टू मेक ए ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑफ देयर ब्रॉड रिसर्च प्लान बिफोर द सिलेक्शन कमिटी। तो आप कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर क्यों रिसर्च करना चाहते हो, आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, सारे के सारे डिटेल्स आपके ब्रॉड प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा रिसर्च कमेटी के सामने, तो वो आपको इवैल्यूएट करेंगे। यदि आप एलिजिबल हो तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। बाकी फर्दर डिटेल्स अबाउट द एडीएफ स्कीम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम अवेलेबल, ये लिंक के ऊपर आप मीन्स क्लिक करके आप डिटेल्स इसको देख सकते हो। देन यहाँ आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ मेंशन किया गया इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई थ्रू द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन द जादवपुर यूनिवर्सिटी वेबसाइट लिंक, ये है इसका लिंक। इस लिंक को आपको डाउनलोड करना है और इसको फिलअप करके आपको अप्लाई करना है, कब तक ना 19/9/2021 इससे पहले, ठीक है। एंड टू बी सबमिटेड थ्रू द ईमेल, इस ये ईमेल में भी आपको सबमिट करना है विद द सब्जेक्ट लाइन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एडीएफ फॉर्म्स विच आर इनकम्प्लीट इन एनी रेस्पेक्ट और विदाउट रिलेवेंट इनक्लोजर और टेस्टिमोनियल्स आर लाइकली टू बी रिजेक्टेड। आपको इस लिंक में जाकर एडमिशन मीन्स अप्लाई करने के बाद आपको ईमेल करना है, ठीक है, उसके बाद इसका खत्म। आप यदि इस ठीक तरीके से इसको नहीं करोगे तो आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगा, यही चीज यहाँ मेंशन किया गया है। तो जो भी कोई स्टूडेंट आप इंटरेस्टेड हो इस प्रकार का फेलोशिप के लिए, आप किसी भी सब्जेक्ट में, सिर्फ यही चार जो सब्जेक्ट है मीन्स साइंस फार्मेसी एंड आर्किटेक्चर को छोड़कर बाकी किसी भी सब्जेक्ट में आप चाहो तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर इसको डिटेल्स में देख के यदि आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।